हाय दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एएसआई सिक्योरिटी गार्ड में, यानी जो लोग नए नए भर्ती होते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होते हैं, उनके लिए वीडियो है। देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड में अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराते हो तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एएसआई सिक्योरिटी गार्ड में डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने से आपको आज ज्वाइनिंग किया कॉल से ड्यूटी मिल जाएंगे, कॉल से ड्यूटी मिल जाएंगे, रेगुलर ड्यूटी मिलेंगे। एक महीना जब ड्यूटी पूरा ड्यूटी एक महीना जब पूरी हो जाएगी तो 7 या 8 तारीख को पैसा पेमेंट मिल जाएगा दोस्तों। और डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने से थोड़ा डर भय रहता है कि ड्यूटी मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इस तरह से सोच हो जाता है दोस्तों। और नुकसान डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने से, ये नुकसान है दोस्तों कि आपको जब भी ड्यूटी मिलेगी जिस ब्रांच में आप ज्वाइनिंग किए हो, उस ब्रांच के अलग अलग अगल बगल एरिया में ही ड्यूटी आपको मिलेगी दोस्तों। आप चाहोगे कि मुझे एसआईए सिक्योरिटी गार्ड मैं हूँ तो इंडिया के किसी भी कोने में ड्यूटी कर सकता हूँ, इस तरह से ऐसा बात नहीं है दोस्तों। जब भी आपको ड्यूटी मिलेगी तो ब्रांच के जिस ब्रांच में आप ज्वाइनिंग कराए हो उसी ब्रांच के अगल बगल ही ड्यूटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वीडियो पहुँचेगी और आप वीडियो देखकर फ़ायदा ले सके दोस्तों। ओके बाय, फिर